फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, जब भी कोई अवार्ड फंक्शन आता है तो खुद ब खुद सर्चिंग पकड़ लेता है अगर वो काफ़ी लंबे टाइम से अवार्ड फंक्शन करते नज़र आए। उन्हीं के बीच में जो है आईटी अवार्ड यानी कि इंडियन टेलीविज़न अकेडमी अवार्ड जो है लगातार कई सालों से जो हैं फैंस के दिल में जगह बनाए जा रहा है और जहां पर इतना वोटिंग होता है कि कई बार उनका सिस्टम भी हैंग हो जाता है। ऐसे में इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक होता है। इस अवार्ड फंक्शन को पूरी दुनिया देखती है। एंटरटेनमेंट के अलावा वो दुनिया भी देखती है जो कि जानना चाहती है आखिरकार जो है किसको किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ऐसे में ये अवार्ड हमेशा टॉप 5 में अपनी जगह बनाकर रखता है। अब तो इस अवार्ड ने एक OTT छोड़ो जो है दुनिया की एक प्लेटफॉर्म भी ढूंढ लिया है यानी कि स्टार प्लस पर इतना रश जो है स्टार परिवार अवार्ड का नहीं होगा जितना आईटी अवार्ड का होगा, क्योंकि आईटी अवार्ड में आपके सभी चैनल के स्टार नज़र आएंगे, सभी स्टार के चैनल्स को अवार्ड देते नज़र आएंगे। यहाँ तक कि इससे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के सितारे भी पहुँचेंगे। कहते हैं ना कि बॉलीवुड के सितारे अगर आ जाएं तो चार चांद खुद में खुद लग जाएं। तो ऐसे में ये अवार्ड फंक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है जिसमें परफॉर्मेंस भी देखी जाती है और जो है स्टारों को भी देखा जाता है, वेलकम भी बहुत अच्छा किया जाता है। तो मुझे ये अवार्ड काफ़ी अच्छा लगता है और इसमें दो कैटेगरी के अवार्ड होते हैं, मतलब जो दो कैटेगरी के नॉमिनेशन होते हैं, एक जूरी के अकॉर्डिंग होते हैं, एक पब्लिक वोटिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। पब्लिक वोटिंग में जो सबसे ज़्यादा वो मतलब वोटिंग लाएगा वो विनर होगा और जूरी अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग जो अवार्ड करा रहे हैं उन्हें जो है 4-5% में से कोई एक पर्सन चुनना होगा यानी कि एक स्टार चुनना होगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जो है इस अवार्ड ने इतने साल कायम किए हैं, आगे भी ये काफ़ी लंबा सफ़र तय करेंगे। अब जल्दी ही आपको जो है ये अवार्ड फंक्शन देखने को मिलने वाला है। नवंबर में आपको नॉमिनेशन लिस्ट मिलने वाली है जो जूरी के अकॉर्डिंग भी होने वाली है और पब्लिक के अकॉर्डिंग भी। ऐसे में जो है नवंबर के लास्ट में बता रहे हैं ये अवार्ड फंक्शन जल्दी ही देखने को मिलेगा। ऐसे में इसका रेड कारपेट काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें हर सितारे पहुँचते हैं, हर प्लेटफॉर्म के सितारे पहुँचते हैं, चाहे वो यूट्यूब के हो, OTT के हो, बॉलीवुड के हो, छोटे पर्दे के हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, लेकिन जो है वो अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनते ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके हाथों में ट्रॉफी आएगी वही वहाँ पहुँचेगा। इस अवार्ड फंक्शन में सभी आते हैं और सभी देखते हैं कि भाई किसकी चमक किसे खींच रही है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस अवार्ड फंक्शन को देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।